चलिए बात करें राजधानी रायपुर की, जहां कोयली बेड़ा में नक्सल मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। राजभवन पहुंचे हैं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, राज्यपाल से करेंगे न्यायिक जांच की मांग। बता दें हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच करने की मांग की जा रही है। पीसी सचिव दीपक बैज, महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला समेत कई कांग्रेसी राजभवन पहुंचे हैं। जांच को लेकर चर्चाएं हुई, घटना 24 तारीख जो सूचनाएं मिली कि गांव के तीन युवक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोमरा हुरतरई मिच्चीबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान जो हमारे मृतक अनिल हिड़को, मृतक रामेश्वर नेगी, मृतक सुरेश तेता और अन्य साथियों ने मिलकर जंगल में रस्सी लेने गए थे, लेकिन सर्चिंग के दौरान फोर्स के द्वारा उन्हें नक्सली समझकर निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दी गई और साथ ही उनको नक्सली बताने का सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। पूरे प्लानिंग के साथ उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, जबकि मृतक के परिवार, गांव के पूरे ग्रामीणों का कहना है कि वो नक्सली नहीं है। वो गांव में खेती किसानी मजदूरी मनरेगा में काम करने वाले आदिवासी हैं। आप देखेंगे कि यहां पे मृतकों के आधार कार्ड तक है। आधार कार्ड, तीनों मृतकों के आधार कार्ड, ये आधार कार्ड और ये जॉब कार्ड भी है। तो इस तरह से तीनों मृतकों का इसमें आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड सभी पूरे संलग्न है। मतलब समझ लीजिए कि सरकार ने निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर मार दिया गया और उसे नक्सली बताया जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच दल बनाए। हमारी जांच दल ने गई वहां और मृतक परिवार और ग्रामीणों से चर्चा की। स्पष्ट पता चला कि वो नक्सली नहीं है, बल्कि वहां पे रोजी रोटी कमाने वाले किसान, खेती किसान करने वाले आदिवासी हैं। इसलिए आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल से मिलकर हम लोग एक सिटिंग, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने का मांग किया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन मृतक परिवारों को न्याय मिल सके। और जिस तरह से पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई निर्दोष आदिवासियों को इसी तरह फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, कई निर्दोष आदिवासियों को फर्जी सरेंडर किया गया, कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया, कई माता बहनों को नक्सलियों के नाम से शोषण किया गया, इस तरह से फिर से भारतीय जनता पार्टी शासन आने के तुरंत बाद चंद महीनों के अंदर फिर से फर्जी नक्सली मुठभेड़, माता बहनों के साथ अत्याचार, फर्जी नक्सली के नाम से आदिवासियों को जेल भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक कर रही है, जिससे निश्चित रूप से पूरे बस्तर के आदिवासी, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पूरे हम लोग इससे आहत है। और निश्चित रूप से हम माननीय राज्यपाल जी से मांग किए हैं कि इसको सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराना चाहिए, ताकि आने वाला समय में कि बस्तर में इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिस तरह से आदिवासियों को कुचलने और मारने और फर्जी एनकाउंटर करने का साजिश है, वो कम से कम रुक सके। ये आज हम लोगों ने मिलकर माननीय राज्यपाल जी से चर्चा कर उनको ज्ञापन दिया है।